बहुत बढ़िया, एक नंबर, एक नंबर, बहुत बढ़िया, एक नंबर, क्या बात है। मैं बहुत बड़ा शिव का भक्त हूँ, मेरे साथ ये बहुत बड़ी भक्त है। जब ये गाना मेरी थिंकिंग नहीं थी, इनकी थी, इन्होंने और म्यूजिक डायरेक्टर ने मिलके थॉट किया था। ये जब मेरे पास आए तो मैं बोला मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं जो इस गाने में काम करेगा। और मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं शंकर भगवान का गाना कर रहा हूँ। क्या बात। तो इस तरह से गाने का प्लान हुआ और हमारे कोरियोग्राफर जो उधर बैठे हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की इस गाने के। चलिए उनके लिए भी जोरदार तालियां। सबसे बड़ा जो जिन्होंने बनाया गाना हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है, वो नहीं होते थे गाना ही नहीं बनता था। और उसके बाद हमारे संगीता जी और अमन ने इसके ऊपर थोड़ा चांद चांद लगा दिया हुआ है। बाकी तो सब आप लोगों के ऊपर है और ऑडियंस के ऊपर है गाना उनको कैसा। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम उम्मीद करते हैं कि जब ये एल्बम आपका लॉन्च हो, रिलीज हो, तो पूरी दुनिया में फैले और सब लोग इससे वाकिफ हों। संगीता जी आपसे जानना चाहेंगे, यूपी, बिहार, झारखंड, हर जगह मतलब आपके चर्चाएं होती हैं, तो अब ये जोगन को किस तरह, वाकई में कभी कोई जोगन बनी है किसी के लिए आप रियल लाइफ में? रियल लाइफ में तो नहीं, बट मैं शिव जी की और माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो ये बस ऑल ऑफ सडन ये को इंसिडेंटली ये सारी चीज़ें अपने आप जुड़ी। जो जो शिव जी के भक्त है, जैसे लक्ष्मी नारायण जी, इन्होंने सुबह 4 बजे उठ करके ये गाना लिखा है। क्या बात है, उनके लिए भी जोरदार तालियां भाई। ये सोच उनके दिमाग में आई और फिर उन्होंने हमें बताया और हम लोगों ने, अमन ने, राजीव जी ने, हम लोगों ने, हमारे कोरियोग्राफर देव थापे जी, सब जो ये टीम है सब शिव जी के भक्त है। तो मतलब ये उनकी इच्छा से ये बन पाया है, हम लोग तो बस एक कैरेक्टर है, जरिया है। चलिए तो इंग्लिश में कहावत है ना, ड्रीम्स कम ट्रू, वही वाली बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो शिव जी का कैसे आप मतलब शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने अल्फाज में, अपने लफ्जों में? मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और शिव जी से यही, मैं उनसे यही अरदास करूंगी और प्रार्थना करना चाहूंगी कि जितने भी शिव भक्त हैं हमारी पूरी दुनिया में, उन सब तक ये उनका जो आराधना हमने किया है पहुंचे और लोग इसकी तारीफ करें, अप्रिशिएट करें और इस शिव की जोगन को अपार सफलता मिले। बम बम बोले हर महादेव। चलिए साक्षात जो है शिव जी भी खड़े हुए हैं अमन जी यहाँ पे। अमन जी बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा संगीता जी के साथ काम करने का? सर सबसे पहले मैं महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि मैडम के साथ ये शिव जी की मतलब जोगन अपना जो है करने के लिए मुझे मतलब सुनते ही मैं बहुत इच्छुक हो गया कि नहीं ये हम करेंगे जरूर, 100% करेंगे। और हमने किया और मैडम के साथ में करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में ये जो कोरियोग्राफ किया गया सब सबसे, उसके बाद जो सबसे बड़ी देन होती है वो हमारे देव दादा कोरियोग्राफर, उन्होंने ये सब कराया हम लोगों को, और हमारे डायरेक्टर सर, बस इतना ही बोलूंगा। हैप्पी दिवाली, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप ये बताइए कि उनके बगल में आप खड़े हैं, नर्वस, एक्साइटेड? वैसे नर्वस दिख रहे हैं आप? नहीं सर, नहीं सर, एक्साइटेड। एक्चुअली क्या है कि वो शिव जी जो है ना, शिव जी वो उसके अंदर से अभी तक निकले नहीं है, अंदर ही गुस्से में उसके अंदर ही है। वैसे मैं बहुत सरप्राइज हो गया था जब मैंने पहली बार देव का डांस देखा था, क्योंकि एक्चुअली मैं इसको देखा तो मैं नहीं सोच सकता कि इतना बड़ा तांडव, जो शिव जी का तांडव होता है, वो कर पाएगा। जब सेट पे हमने देखा तो एक अलग ही रूम था, एक अलग ही रंग था इन दोनों का। जब वो तांडव का पार्ट आया तो हम सब पूरी यूनिट शॉक्ड हो गए कि ये लोग ने कैसा कर दिया। एक्चुअली उस समय ना चमत्कार ही हुआ था। जब हम लोग शिवलिंग के सामने, मतलब जब तक तो ऐसे कर रहे थे, हम लोगों का कोरियोग्राफी जो हो रहा था, ऑल लोकेशंस पे चल रहा था, जब शिवलिंग के पास हमने जो तांडव किया, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, देख लीजिए कि वो अपने बोल रही है, रोंगटे हमारे खड़े हो रहे हैं। ऐसी शक्ति आ गई महादेव की, जब कट बोला गया ना तो मन ही नहीं कर रहा था कि रुकना, बस तांडव करते ही रहे, बस ऐसे ही लग रहा था। रियली तो ये गाना रिलीज होने वाला, अपने दर्शकों से, अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे, उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचे? मैं अपने सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि शिव की जोगन को आप लोग खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जितना हो सके उतनी बार इस शिव की जोगन को देखें, सुने और अप्रिशिएट करें। कहां रिलीज हो रहा है, कितनी तारीख को, वो भी बताइए जी, कहां रिलीज हो रहा है, कितनी तारीख को? शिव की जोगन दिवाली पे रिलीज हो रहा है और ST Series म्यूजिक कंपनी पे लॉन्च हो रहा है, जिन पे हमने ऑलरेडी, हमारा एक गाना ऑलरेडी हिट हो चुका है उस पे, बॉलीवुड म्यूजिक।
और बॉलीवुड टाइप कहता उस गाने का, वो ऑलरेडी हमारा हिट हो चुका है उस पर। और एस सीरीज़ के लिए मैं ये एक ही बात कहूँगा कि ये गाना अगर आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, पसंद करेंगे, तो इसकी हम पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री शिव की जोगन के बनाने के प्लानिंग। वाह वाह वाह, बस आप लोगों से वो लाइक कीजिए। और एक बात और कहना चाहूंगी, अभी 12:30 बजे आज के दिन हमारा पोस्टर और प्रोमो लॉन्च हुआ है, जो ट्विटर पर वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग पे गया हुआ, 10वें नंबर पे चल रहा है। और क्या होगा कि एक बार वापस गाना प्ले किया जाए। यस यस, बहुत से जन आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार और गाना प्ले किया जाए प्लीज। जो बोलते ना कि मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो, कर्म करते चले जाओ, तो बस हमने कर्म किए और अच्छा, बहुत पूरी ईमानदारी से सबने, पूरी टीम ने मेहनत की है, जिसका असर देखने को मिला कि सब ताली बजा रहे थे और वंस मोर की गूंज थी, बहुत पसंद किया लोगों ने, दैट्स गुड थिंग। एंड एज इट इज़ ये महादेव जी के ऊपर से गाना है और लक्ष्मी नारायण जी ने इसे कंपोज किया है और लिखा भी है। इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग और हम दोनों ही महादेव की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो होपफुली लोगों को पसंद आए। और ये बहुत बहुत ही स्पिरिचुअल सॉन्ग है और इसके एक एक लिरिक्स और संगीता ने आई एम श्योर आई वांट टू सी तो शी हैज रॉक्ड एंड महादेव जी बस इस गाने को हिट करें और लोगों को पसंद आए। जी, जब अपनी गाने के कुछ ग्लिम्पसेस सुने तब उसके बाद आपका क्या रिस्पॉन्स था? व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन दैट केम टू यू? आई वाज फीलिंग वाओ कि ये शिव जी का गाना है और मैं बहुत बहुत मानती हूँ महादेव जी को, तो मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस ट्रैक के लिए। और व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग द सॉन्ग मेरे गूज बम्स हो गए थे, मतलब इतना अच्छा गाना है। एंड संगीता ने आई एम श्योर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये कब रिलीज हो। और पूरा जो जर्नी है सॉन्ग रिकॉर्डिंग से लेकर शूटिंग से लेकर और उसके बाद लोकेशन ये सब करना और आज हम लोग रिलीजिंग पर है और आप लोगों के सामने हैं, ये पूरा एक्सपीरियंस जो है ना, मतलब ये शिव जी की लीला में ही है पूरा, मतलब उन्हीं के भक्ति में ही है। बावली अगोरन हूँ शिव की मैं जोगन, मतलब सोते जाते जागते उठते बैठते दिन रात दिमाग में सिर्फ यही गाना गूंजता है और इतना ज़्यादा मन को शांति मिलती है ना कि दुनिया कुछ नहीं नश्वर है, सब कुछ खत्म होने वाला है, ये अपने आप को शिव जी की महिमा में उनकी भक्ति में लगा दो तभी आपका बेड़ा पार होगा, इतना समझ में आ गया है। दिवाली के पावन अवसर पर ये गाना पॉसिबल आपने दिखाया, स्पेसिफिक और भी कुछ रीज़न था कि इसी दौरान इस गाने को रिलीज़ करना? एक्चुअली इस गाने के लिए हम लोगों ने कुछ भी प्लान नहीं किया था, ये जो भी प्लानिंग है ये बस शिव जी की थी और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारी पूरी टीम, जो हमारे डायरेक्टर हैं राजू रिया जी और लक्ष्मी नारायण जी म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे जो कोरियोग्राफर है देव थापे जी, अमन कुमार, रितु जी, हम सब शिव जी के इतने बड़े भक्त हैं, उन्होंने ये स्क्रिप्ट रची, उन्होंने ये प्लानिंग की और हम लोगों ने इसमें पूरा अपना मेहनत किया और आज आप लोगों के सामने है दिवाली। रितु जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? दिवाली का अवसर होता है और ऐसा गाना जब सामने आए, सभी लोगों को पहले तो दिवाली की और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐड मैं क्या करूँ, मतलब शिव जी ने इतना अच्छा, संगीता थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी थैंक यू दिस सॉन्ग, बिकॉज आपने इतना दिल से गाया है ना कि उसको ऐड करने में उतना ही मजा आया। और ये गाने का जो लाइन है ना, बावली अगोरन, मतलब मैं झूम गई उसके अंदर, मैं सच में बावली हो गई मैं खुद ही बावली हो गई हूँ और क्या कहूँ, मतलब जस्ट वेटिंग टू हियर इट एंड वॉच द वीडियो। रितु जी, अगर दो लाइन अगर हो जाएगा? यस, आई वांट टू कॉल लक्ष्मी नारायण जी जिन्होंने ये गाना क्रिएट किया है, कंपोज किया है, तो लक्ष्मी नारायण प्लीज। नमस्कार सभी को, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शिव के जो ये जो सॉन्ग्स बना है हम सब, पूरी टीम हमारा उसमें सब लोग मिलजुल के सब ने काम किया है, सबकी पूरी पूरी मेहनत है। और आपको इसमें दो लाइन सुनाऊंगा, घोरण हूँ शिव की मैं जोगन हूँ, शंभु की पुजारण हूँ, महाकाल गंगा
माता की चकोरन हूँ, पानी भी है मेरा दरबानी बिंदु शिव बिंदु जल मेरा शिव बिंदु कहते हैं इसको त्रिदेव, ये तो है सब सुख दे, हर 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 महादेव देवों के है ये देव, हर 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 महादेव देवों के है ये देव, बावड़िया गोरन हूँ शिव की मैं जोगन हूँ। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या उससे बड़ा रिएक्शन तो कोई होगा नहीं। वैसे पूरी की पूरी जो हमारी टीम है वो सब शिवजी के भक्त है, बहुत बड़े भक्त है, और सबका मन था कि एक शिवजी के ऊपर गाना बनाए। एसटीडीज के साथ हमने एक पहला गाना बनाया था बॉलीवुड जो ऑलरेडी हिट नंबर पे चल रहा है, अभी ये सेकंड गाना है एसटीडीज का। और राज शिवजी के इस सॉन्ग का सवाल, तो रात को 4 बजे संगीता जी को फ़ोन आया, 5 बजे मुझे फ़ोन आया है कि ऐसे ऐसा गाना करना है। मैं बोला सुबह 5 बजे, तब उन्होंने लाइन सुनाए तो बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद इस गाने का प्लान है। सब लोग एक भाई एक वन बाई वन 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 करके हम सब लोग मिले और इस पर डिस्कस किए, और डिस्कस करके फिर इस पर अपना लक्ष्मी नारायण सर इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया, और अच्छे से पूरा लिखा कंप्लीट किया। फिर बाकी दर्शाने वाले ये हमारे डायरेक्टर सर। अच्छा डायरेक्टर, आपसे पूछना चाहेंगे ये कंसेप्ट किस तरह से जहन में आया, और फिर ये पूरा एक कंसेप्चुलाइज विजुअलाइज किस तरह से किया? देखिए मैं ऑलरेडी एक मेरी फिल्म आ रही है लव यू शंकर डिज्नी के लिए, और शंकर भगवान के ऊपर, तो मैं बहुत ज़्यादा 1.5 साल से शंकर भगवान के अंदर मतलब वो हूँ। तो जब ये गाना मेरे हाथ में आया तो मुझे लगा कि उस गाने में एक बोनस आ गया, पिक्चर पे एक बोनस आ गया। तो जब हमने कंसेप्ट सोचा इसके बारे में, तो सबसे पहले हमने लुक के ऊपर डिसाइड किया कि लुक क्या होनी चाहिए, कैरेक्टर का लुक क्या होनी चाहिए। फिर गाने में तो आपको पता है शिवजी है, तो शिवजी का एक कैरेक्टर चाहिए था हमें कि वो लगे शिवजी जैसा। तो अमन से हमने देखा, इसको हमने पूरा का पूरा आउटफिट पहनाया, इससे एक डांस करवाया, कोरियोग्राफर किया, जिसमें देव साहब जो हमारे कोरियोग्राफर है उन्होंने बहुत मेहनत की इनके ऊपर। उसके बाद फिर संगीता जी का कम से कम 10 बार लुक टेस्ट किया गया, कपड़े पहना के 10 बार की कौन सा गेटअप शूट करेगा। उसके बाद एक फाइनल गेटअप हुआ जो आप लोगों ने देखा, और फिर गाना लाइन। और आपसे जानना चाहेंगे क्या ये पूरा जो एक गेटअप था, और उसके बाद गोइंग इन टू दैट जोन एंड डूइंग समथिंग आउट ऑफ, आई मीन कुछ अलग दिखाने की कोशिश किया, वो चैलेंजिंग रहा कि आसानी से आपने वो कर ली चीज़ें? सर वो तो मेरे लिए चैलेंजिंग था, लेकिन ऐसा हुआ कि जब वहाँ अपन शूट के लिए पहुँचे वहाँ पे, और वो गेटअप जब मुझे पहनाया गया, उसके बाद मुझे खुद भी कुछ नहीं मालूम, शिव बाबा का आशीर्वाद क्या लगा कैसा किया बस उनको मालूम, बाकी और बाकी आप लोग को और जो भी है मालूम। एक बात से कहना चाहूँगा, जब हमने शिवलिंग के सामने शूट किया था तो तांडव, जो कि आपको पता अपने आप में, उसमें एक्चुअली क्या हो गया था कि हमारे प्रोड्यूसर वाले से हमने वो मंगाई थी, क्या बोलते उसको हमें शिव बाबा का नाम लेते थे, उनकी राख होती है, तो वो कहीं मिली नहीं तो वो ओरिजिनल लेके आ गए। तो आप सोच सकते हो वो ओरिजिनल लगाना बॉडी पे, वो भी शमशान की राख, तो इनको जब लगा दिया गया तब शिवलिंग था, तब इनका जो था रुतबा ही चेंज हो गया, और हम लोग सब बोले थे कि कोई सब ऐसा नहीं कि अभी कट बोले या स्टॉप बोले, लेकिन इनका एक अलग ही वो रंग दिखा। आज की आज दिवाली का जो अवसर है, उसी में देयर वाज अ प्लान इसी वक्त रिलीज करना है, इट वाज एन इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन? नहीं, इट्स अ प्लान पहले से, जब हमारा गाना हमने जब लाइनअप चालू किया तभी था कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे समथिंग किया तो गिफ्ट, तो लाइनअप वही था और वो सक्सेस लाइनअप था। तो अभी आज हमारा पोस्टर 12 बजे 12:30 बजे लॉन्च हुआ है, हमारा पोस्टर और गाना हमारा दिवाली के दिन रिलीज है। और अभी तो ट्विटर्स पे ट्रेंडिंग है, और आज की अभी की बात बता रहा हूं, नंबर पे हो गया सर, सुबह हमने पोस्टर डाला था 1 नंबर पे, ट्रेंडिंग अभी आ गया 8 नंबर, मतलब कभी हमने करीबन 10-11 बजे डाला था, अभी 1 नंबर पे चल रहा है ट्रेंडिंग में ट्विटर पे पोस्टर सर। तो मतलब ऋतु जी के हैं तो मैं हम लोग फैन है पहले से, उनके उनके सारे गाने बहुत अच्छे
उन्होंने हमारा एक गाना गाया था इसके पहले बॉलीवुड, तो बॉलीवुड का जो टेक्सचर था गाने का, और ये गाने के लिए हमें गलत टेक्सचर जो प्रीतु जी को दिया गया, तो उन्होंने भी तीन चार बार ये टेक्सचर पे प्रैक्टिस की, तो ये टेक्सचर चाहिए था उस वजह से हमने इतना जाते जाते आप सबको हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर, और चाहेंगे कि ये गाना आप लोग पसंद करें ताकि हम पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर बनाए, और सब लोगों को आशीर्वाद आपका चाहिए, शिव बाबा का आशीर्वाद और आप लोगों का आशीर्वाद, हर 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 महादेव, हैप्पी दिवाली, सन्नाटा विषय ये सब सारी जो ब्लेसिंग मिल रही है हम सबको डायरेक्ट परमात्मा शिव निराकार से मिल रही है, और ये चीज़ें जब दिमाग में आई, क्योंकि हम सब परमात्मा के तो बच्चे हम सभी हैं, और हम सबका सौभाग्य है कि ये गाना हम लोग को करने के लिए मौका मिला, और इसको दिमाग में आते आते सबसे पहले ये चीज़ आई कि शिव की मैं जोगण हूँ बावड़ी अघोरण हूँ, ये जो लाइन आई, फिर लाइन को क्लियर करते 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 कि बावड़ी अघोरण हूँ शिव की मैं जोगण हूँ, बावड़ी अघोरण हूँ शिव की मैं जोगण हूँ, हर 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 महादेव देवो के है ये देव, हर 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 महादेव देवो के है ये देव, इस तरह से इतनी लाइन बनी, उसके बाद फिर बनते 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 मतलब पूरा गाना जो है पूरा रॉकिंग सॉन्ग बन गया सर, परमात्मा शिव निराकार की जी। और कोरियोग्राफी वाइज तो देखिए हम हमेशा चाहते हैं कुछ हम नया करें, लेकिन बॉलीवुड गाने में अगर आप मूवमेंट कंपोज करोगे तो वो ज़्यादा इजी होता है, अदर देन ऐसा कोई इमोशनल सॉन्ग हो जिसको आपको मूवमेंट देना है अलग अलग तरीके से, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो उसके ऊपर हमने जैसे इन्होंने गाना बनाया जो वाइब हमको आई, जैसे हमने रिहर्सल की तो हमने कुछ चीज़ें ट्राई की उसमें कि हम ये कर सकते ये नहीं कर सकते, ऐसे कर करके फिर संगीता जी का भी इनपुट था उसमें कि उनकी बॉडी के ऊपर कौन सा स्टाइल ज़्यादा अच्छा जा रहा है, अगर वो तांडव करेगी तो उनका एटीट्यूड या बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, तो उस पर हमने थोड़ा वर्कआउट किया और इस तरीके से गाना हमने ये कर बट बहुत अच्छा इन्होंने कोरियोग्राफ किया, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, आगे भी कुछ इस तरह के प्लान होने वाले हैं, बिल्कुल 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 प्लानिंग है, नेक्स्ट भी बनना है, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बन रही है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़, इसके पहले भी जो हमारा गाना आया था सारे परेशान हिट दिन खाना है वो भी संगीता जी ने किया था, कोशिश तो यही है कि हम कुछ अलग करें, आप जितने भी हमारे एसटीएस के गाने देखेंगे आप सब डिफरेंट ही मिलेंगे, आपको किसी से मतलब करेक्ट नहीं मिलेगा और नई नई चीज़ मिलेगी, यही कोशिश है आप सबकी दुआओं के साथ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।